काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि ट्रांसप्लांटेशन के टाइम हो सकता है आपका ब्रेन डैमेज हो जाए, तो देखिए अगर मैं इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। आज की Q&A वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं आपके पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में जो कि रिसेंटली आपने पूछे हैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। जैसे कि आप सभी जानते हैं ऑलमोस्ट हर वीकेंड एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन का Q&A रखते हैं जिसमें आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो और उन क्वेश्चंस को हम डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करने के बाद आपको अपनी वीडियो में आंसर दे देते हैं। तो आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले हैं। रिसेंटली हमने पोस्ट डाला था, आपने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे और क्वेश्चंस के आंसर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhub.com पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफ़ी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहाँ पर जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा डक्स ने, उन्होंने पूछा है हाउ इफेक्टिव विल बी आर हेयर ट्रांसप्लांट इफ यू डोंट टेक फिनिस्ट्राइड ओरली एंड ओनली यूज टॉपिकल सॉल्यूशन ऑफ मिनोक्सिडिल प्लस फिनिस्ट्राइड। ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि हमारा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट कैसा होगा अगर हम फिनिस्ट्राइड की टैबलेट ना खाएं और वो मिनोक्सिडिल यूज करें जिसमें फिनिस्ट्राइड टॉपिकल सॉल्यूशन में अवेलेबल होता है। आपको पता है काफ़ी मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन ऐसे आते हैं जिसमें फिनिस्ट्राइड ऑलरेडी होता है, जिसमें मिनोक्सिडिल प्लस फिनिस्ट्राइड का सॉल्यूशन हम उसे बोलते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन के बाद के प्रोसीजर के बारे में, आपको ट्रांसप्लांटेशन के बाद अगर फिनिस्ट्राइड दिया गया है तो वो क्यों दिया गया है? देखिए फिनिस्ट्राइड ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो दिया जाता है वो आपके एग्जिस्टिंग हेयर को बचाने के लिए दिया जाता है ताकि वो बाल आपके ना झड़े। ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए कभी भी फिनिस्ट्राइड नहीं दिया जाता, ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। फिनिस्ट्राइड आपके एग्जिस्टिंग हेयर को बचाने के लिए दिया जाता है। आपने काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे देखे होंगे, हमने केस स्टडीज में शो करें हैं जिनको फिनिस्ट्राइड दिया ही नहीं गया ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्योंकि उनके एग्जिस्टिंग हेयर प्रोग्रेसिव नहीं थे, एग्जिस्टिंग हेयर कोट जो था वो प्रोग्रेसिव नहीं था। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग हेयर के लिए फिनिस्ट्राइड दिया गया है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा जो हमने डॉक्टर के साथ डिस्कस भी किया है कि आपको फिनिस्ट्राइड ओरली ही लेना चाहिए कि वो क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर आपको ट्रांसप्लांटेशन हेयर के लिए मिनोक्सिडिल अप्लाई करने को बोला है तो आपको फिनिस्ट्राइड लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप मिनोक्सिडिल प्लस फिनिस्ट्राइड का टॉपिकल सॉल्यूशन अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर पे अप्लाई कर सकते हो, आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है सागर ने, इज़ इट नॉर्मल टू हैव पिंपल्स ऑन स्कैल्प रेसिपेंट एरिया आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन। ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि क्या पिंपल्स होना आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया में नॉर्मल है? देखिए ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ऑल दो 10-20% पेशेंट्स को ये पिंपल की प्रॉब्लम आ जाती है आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया में, लेकिन इससे कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके पिंपल्स आ रहे हैं यू शुड टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट रिगार्डिंग दिस, वो आपको कुछ टैबलेट्स देंगे उससे ये कंट्रोल में आ जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि अगर आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया में पिंपल्स आ गए तो आपका ट्रांसप्लांटेशन खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इट्स नॉट नॉर्मल बट येस इट हैपन्स, ये काफ़ी केसेज में हो जाता है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है शांतनु ने, हेयर ट्रांसप्लांटेशन इन विंटर्स वर्सेस समर्स, डज स्वेटिंग इफेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स? ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि ट्रांसप्लांटेशन विंटर्स या समर्स में करवाना चाहिए और क्या समर्स में अगर हम ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो स्वेटिंग से आपका ट्रांसप्लांटेशन में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है कि पसीने से ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट इफेक्ट होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पसीने से आपका ट्रांसप्लांटेशन से रिजल्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि हमारा फील्ड का वर्क है, हमें आउटडोर जाना पड़ता है, हमारी जॉब जो है आउटडोर की है, तो क्या ट्रांसप्लांटेशन हमें करवाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली हम आउटडोर जाएंगे तो हमें पसीना आएगा तो हो सकता है हमारा रिजल्ट खराब हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, आपका स्वेटिंग से ट्रांसप्लांटेशन में कोई भी ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हुआ है तो आपका रिजल्ट 100% आएगा। और अगर हम बात करें विंटर्स और समर्स की, जो काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है कौन सा वेदर बेस्ट रहेगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एक पर्टिकुलर वेदर नहीं है जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। बेसिकली अगर मैं डेटा की बात करूँ तो दोनों ही सीजन्स में, चाहे हम समर की बात करें चाहे विंटर्स की बात करें, बहुत ही ज़्यादा लोग ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं। आपको सिर्फ एक वीक का टाइम देना है, चाहे कोई भी वेदर हो आपके पास अगर एक वीक खाली है आप ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप गर्मियों में ट्रांसप्लांटेशन करवाओगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा या आप सर्दियों में ट्रांसप्लांटेशन करवाओगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये चीज़ें सीजन पे डिपेंड नहीं करती, आप कभी भी ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो, राइट? नेक्स्ट उन्होंने पूछा है UK06 हैरी वर्मन है, सर मेरा फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन फुल हेड का हो चुका है पर क्राउन और मिड में अच्छी डेंसिटी नहीं आई है, ओके तो सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट में फिलिंग में हाई डेंसिटी आ सकती है? बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं
हालांकि इनका ऑलरेडी ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है लेकिन इनके क्राउन और मिड स्कैल्प में डेंसिटी अच्छी नहीं आई है, तो क्या ये रिफिलिंग सेशन ले सकते हैं? जी हाँ, आप ले सकते हो और ऐसा लोग लेते भी हैं। हमें बेसिकली जो सेकंड सेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो काफ़ी पेशेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो इसीलिए पड़ती है कि उनके एग्जिस्टिंग हेयर झड़ने लगते हैं। काफ़ी केसेस में क्या होता है कि क्राउन में ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है लेकिन उतनी अच्छी डेंसिटी नहीं आती जितना पेशेंट एक्सपेक्ट करता है, तो उन केसेस में आपको छोटा सा एक सेकंड सेशन लेना पड़ता है जिसमें और ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं आपके पैची एरियाज़ में जहाँ पर डेंसिटी कम हो, उसके बाद आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। सो डेफिनेटली हैरी जी, आप ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो रिफिलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पंडित राज ने, अगर हमारा डोनर एरिया हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इनफ नहीं है तो क्या हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवा सकते? बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हमारा डोनर एरिया ट्रांसप्लांटेशन के लिए इनफ नहीं है तो हम ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवा सकते। सबसे पहले तो आपने स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप डोनर एरिया की बात कर रहे हो कि डोनर एरियाज़ की बात कर रहे हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे पास एक डोनर एरिया नहीं होता। काफ़ी लोगों अभी भी लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक डोनर एरिया होता है, जिसको हम आपको पता है हमने वीडियो में दिखा रखा है, जो हमारे हेड के पीछे वाला एरिया होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ये इनफ नहीं होता पूरे बॉन्डनेस को कवर करने के लिए, वहाँ पे हम दूसरे डोनर एरियाज यूज़ करते हैं, जैसे कि बेड हो गई, आपके चेस्ट हेयर हो गए, आपके बॉडी हेयर हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पीछे इनफ अमाउंट ऑफ डोनर एरिया अवेलेबल नहीं है तो आप ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवा सकते। आप करवा सकते हो, आपके जो अदर डोनर एरियाज होंगे वहाँ से ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संदीप ने, उन्होंने पूछा है हेयर इम्प्लांट में स्कल को कोई इंजरी होती है क्या? ये बेसिकली पूछना चाह रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जो हमारा स्कल होता है उसमें कोई मेजर इंजरीज होती है? तो देखिए, अगर मैं इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूं तो इसका आंसर होगा नहीं, ऐसी कोई भी इंजरी नहीं होती। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहूँगा इस क्वेश्चन पे, वरना इस पर एक स्पेशल वीडियो बन सकती है और मैं आने वाले टाइम पे इस पर वीडियो भी बनाऊँ। लेकिन अगर मैं आपको इन शॉर्ट अभी बताऊँ वीडियो में, तो आपके स्कल में कोई भी इंजरी नहीं होती ट्रांसप्लांटेशन के टाइम। काफ़ी लोगों को लगता है ट्रांसप्लांटेशन के टाइम यू नो हमारे जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, उसमें हो सकता है कुछ इंजरी हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए, जो हमारा स्कैल्प होता है उसमें 5 लेयर्स होती हैं। अगर मैं आपको थोड़ा बताऊँ इन शॉर्ट, तो हमारे स्कैल्प में 5 लेयर्स होती है और जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी होती है वो मैक्सिमम तो मैक्सिमम 2 लेयर्स तक ही जा पाता है। मतलब जब आपकी सर्जरी हो रही होती है तो जो 5 लेयर्स होती है उसके सिर्फ आउटर 2 लेयर्स में ही परफॉर्म होती है सर्जरी। उसके बाद जो अंदर की 3 लेयर होती है वो अनटच्ड होती है, तो इसमें ब्रेन तक पहुंचने का कोई भी रिस्क नहीं होता। काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि ट्रांसप्लांटेशन के टाइम हो सकता है आपका ब्रेन डैमेज हो जाए, जो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हो इस चीज़ पे स्पेशल वीडियो बनाया जाए तो मैं डेफिनेटली अपने चैनल पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डॉक्टर के साथ हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के ऊपर। अभी के लिए अगर मैं आपका आंसर दूं तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, कोई भी इंजरी आपकी नहीं होती, कोई भी ब्रेन को डैमेज नहीं होता ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। नेक्स्ट ने पूछा है अंजन नायक ने, भाई PRP एंड मेडिसिन लेने पर थिन हेयर थिक एंड डेंसिटी अच्छी हो सकती है क्या, प्लीज़ बताइए। ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि मेडिसिन और PRP से जो हमारे हेयर थिन हो चुके हैं उनकी डेंसिटी बढ़ सकती है? तो जी हाँ, ये होता भी है। आपने काफ़ी केसेस देखे होंगे जहाँ पे PRP और मेडिसिन से आपकी थिकनेस बढ़ जाती है, और ऑब्वियसली PRP और मेडिसिन से आपके हेयर रीग्रोथ नहीं होते लेकिन उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ने लगती है। मतलब जो उनकी बहुत जो हेयर थिन हो गए थे, जो मिनिचराइज्ड हो गए थे, वो मोटे होने लगते हैं वापस। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है PRP और मेडिसिन का, जो आपके हेयर थिन हो रहे हैं वो कंट्रोल में हो जाएंगे और हो सकता है वो थिक भी होने लगे, डेंसिटी आपकी बढ़ने लगे। अगर बॉल्डनेस आ चुका है, अगर पैची बॉल्डनेस आ चुका है, तो वहाँ पे PRP मेडिसिन ज़्यादा काम नहीं कर पाती। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है मोहम्मद सुहेल ने, एक सवाल है भाई सर, मैं डेंड्रफ होते टाइम भी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है क्या, या पहले डेंड्रफ ख़त्म करना पड़ेगा उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट करना होगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ? ये मैंने पहले भी केस स्टडीज़ में डिस्कस किया है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा डेंड्रफ, अगर आपका नॉर्मल डेंड्रफ है तो ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा, दैट्स नॉट अ मेजर इशू। लेकिन अगर आपका पैची डेंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको कुछ मेडिसिन दी जाती है ट्रांसप्लांटेशन से पहले और आपके डेंड्रफ को कंट्रोल किया जाता है और वो हो जाता है, उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, दैट्स नॉट अ मेजर इशू। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम जितनी भी वीडियोस लाने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, उनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।